कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.1 आज हम इसका चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए सारणी में दिखाई गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये डेटा हमें दिया गया है, इसका हमने माध्य निकाला है। तो ये है हमारे पास वर्ग अंतराल महिलाओं की संख्या, जिसको कि हम FI कह सकते हैं। ये हमें दी गई है, हमें इस डेटा का माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है वर्ग चिन्ह, जिसको कि हम मानते हैं XI। तो आइए देखें, वर्ग चिन्ह होता है वर्ग अंतराल का बिल्कुल मध्य। यह है 65, यह है 68। देखने से हमें पता नहीं चलेगा कि इनके बिल्कुल बीच में क्या आता है, 66 भी आ सकता है, 67 भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इनका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, यानी 65 और 68। इन दोनों को यदि प्लस किया तो आया 8, 5, 13, हासिल आया 1, 6, 6, 12 और 1, 13। और फिर इसको कर देते हैं 2 से भाग, तो ये आ जाएगा 6 × 12, 13 में से 12 गए 1, 1 और 3 13, फिर से 6 × 12 और 1 × 0 = 10, 5 × 10 तो 66.5। इसका जो वर्ग चिन्ह आया है वो आया है 66.5। इसी प्रकार से जब हम यहां देखेंगे, यह है 68 और 71। इसका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से भाग करेंगे, 8 और 1 = 9, 7 और 6 = 13, इसको 2 से भाग कर दो तो यह आ गया 6, 1 और 9 = 19, 9 × 18 और 5 तो यह आ गया 69.5। इसके बाद आपको दोबारा यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत है, हम इनका अंतर देख लेंगे, है यह है 66.5, यह है 69.5, यानी 3 का डिफरेंस है। हम 3 आगे जोड़ते जाएंगे, 69 में 3 जोड़ दो तो यह बन गया 72.5। इसका मतलब 71 से लेकर 74 तक के वर्ग अंतराल का जो वर्ग चिन्ह आएगा वो आएगा 72.5, 74 से 77 के बीच में आएगा 75.5, अगले का आएगा 78.5, अगले का आएगा 81.5 और अगले का आएगा 84.5। अब जैसा कि हमने पहले भी सीखा था कि जब ये जो वर्ग चिन्ह है XI है, ये मुश्किल संख्याएं आ रही हो या बड़ी संख्याएं आ रही हो, जैसे कि इस केस में आप देख रहे हो ये सब दशमलव वाली और बड़ी संख्याएं हैं, तो इनको सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम एक कल्पित मान लेते हैं। मान लीजिए मैं वो जो कल्पित मान है जिसको हम कहते हैं A, वो इसमें से कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो मैं यहां से ये बीच वाली संख्या यानी 75.5 इसको कल्पित मान मान लेता हूं। अब हम यहां पर निकालेंगे DI, जो कि किसके बराबर होगा, हमारा जो वर्ग चिन्ह आया XI, इसमें से हम A को माइनस करते हैं। देखिए यह है 66.5, इसमें से जब 75.5 को माइनस करेंगे, तो क्योंकि 75.5 बड़ा है, इसके नीचे 66.5 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 में से 5 गए 0, 15 में से 6 गए 9, 6 में से 6 गए 0, यानी ये आ गया 9, ठीक है, ये आ गया 9। साइन दोनों में से बड़ी रकम का, बड़ी रकम है 75.5, इसके साथ साइन है माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब 66.5 में से 75.5 माइनस करने पर हमें प्राप्त हुआ 9। इसी प्रकार से 69.5 यदि इसमें से माइनस करें तो ये आ जाएगा 9, और तब ये बन जाएगा 5 में से 5 गए 0, 15 में से 9 गए 6, 6 में से 6 गए 0, यानी हमारे पास आ गया 6। साइन बड़ी रकम का माइनस था, यहाँ भी माइनस, ठीक है। उसके बाद 72.5 तो ये आ जाएगा -3। जैसे हमने यहाँ 3 का डिफरेंस किया था, यहाँ भी +3 +3 +3 करते जाओ। अगली संख्या है 75.5, 75.5 में से A 75.5 ही माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0, 78.5 में से
पांच माइनस करने पे आ जाएगा तीन, अगला छह, अगला नौ। इसका जो फायदा है वो यही हुआ कि जो पहले संख्याएं 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 84.5 आ रहे थे, अब हमारे पास जो संख्या वो है 9, 6, 3, 0, 3, 6, 9, यानी सरल संख्याएं हो गई है, इसीलिए कल्पित मान लिया जाता है। अब हमें इसमें निकालना है एफ आई गुना डी आई, प्रत्यक्ष विधि में निकलता है एफ आई गुना एक्स आई, इसमें कल्पित मान विधि में निकलता है एफ आई गुना डी आई, क्योंकि हमने एक्स आई की मुश्किल रकमों को ही सरल बनाने के लिए डी आई निकालना है। तो आइए इसे याद करते हैं, यह है दो, दो को नौ से गुना कर दो 18, साथ में माइनस, यह छह, छह चौके 24 प्लस इनटू माइनस माइनस, उसके बाद है तीन, तीन गुना तीन नौ माइनस इनटू प्लस माइनस, उसके बाद है आठ गुना जीरो जीरो, सात गुना तीन 21, तीन गुना छह 12, सॉरी चार है सर, सॉरी ये था चार, चार गुना छह 24 और नीचे है दो गुना नौ 18। तो हमने देखा एफ आई को डी आई से गुना करने पर हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। अब हमें नंबर एक निकालना है एफ आई का जोड़, जो कि आपको प्रश्न में भी दिया गया है कि 30 महिलाओं की जांच, अगर हम यहां भी देख ले 2, 4, 6, 3, 9, 8, 17, 7, 24, 4, 28 और 2, 3 ही बनता है। इसके साथ ही साथ हमें अब निकालना है एफ आई और डी आई का जोड़, एफ आई और डी आई का जोड़। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां है माइनस 18, यहां है प्लस 18, माइनस 18 प्लस 18 कितना हो गया 0, यह है माइनस 24, यह है प्लस 24, माइनस 24 प्लस 24 कितना हो गया 0, यानी कि ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों खत्म हो गए। अब यहां रह गया माइनस 9, यहां रह गया प्लस 21, यही तो रह गए, तो 21 में से 9 माइनस कर दो कितना आ गया 12। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो एफ आई डी आई है इसका जो योग आया है वो आया है 12। हमारे पास माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है समेशन एफ आई डी आई बटा समेशन एफ आई, और ये जो हमने कल्पित मान यहां सब में से माइनस किया था अब हम इसे प्लस करते हैं। तो आइए समेशन एफ आई इंटू डी आई आया है 12 बटा समेशन एफ आई है 30 प्लस ए, ए है 75.5। अब आप ध्यान से देखें 12 को जब हम 30 से भाग करते हैं तो दशमलव लगाया तो बन गया 20 और 30 चौके होता है 120, तो ये आ गया 0.4 और इसमें प्लस कर दो 75.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो तो 4 और 5 हो गया 9.75 में 0 प्लस कर दिया 75। इसका मतलब हमारा जो माध्य आया है वो आया है 75.9। तो यही इस प्रश्न का